काश मिल सकता। शरीर में बुखार है, ताप बढ़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट था। कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष, लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो, हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है होती की, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, कर्क संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है, एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र पर समर्पित करते हैं तो एक सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सवा मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता है। एक बेलपत्र, इतना फल हमारी पूंजी। अगर कोई हमसे कहे कि सियोर वाले महाराज की पूंजी क्या है तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र।